दोस्तों, शर्ट की कटिंग तीन प्रकार से होती है। एक तो फिटिंग होती है, एक मीडियम होती है और एक लूज होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लूज शर्ट कटिंग करना बताऊंगा। जो प्लेट वाली पैंट होती है उसके ऊपर पहनते हैं, वो आपको मैं कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, शर्ट की लंबाई है वो है 28 इंची है, 1 इंची प्लस करके और 29 पर निशान लगा लेना होगा इस तरीके से। और इसका सीना है वो 36 इंची है, तो इसका आर्म होल हम 9 इंची रख लेंगे, यानी चौथा हिस्सा रख लेंगे। और यहाँ पर हम फैशन पट्टी के लिए 2 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक, निशान लगा लेंगा लेना है। और यहाँ पर हम रख लेंगे सीने का चौथा हिस्सा, 9 इंची रख लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों हम रख लेंगे यहाँ पर 2.25 इंची। ठीक, 2.25 इंची रख लेंगे। और इसकी हिप है वो 36 इंची है, तो 36 का हम 1/4 करेंगे, तो 9 और 2.25 इंची एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक, यदि मीडियम चाहते हो तो आप 2 इंची, फिटिंग चाहते हो तो आप 1.5 इंची, और यदि आप यानी कि सिंपल यानी कि जो लूज होती है ना वो पहनते हैं, तो इस तरीके से 2.25 पर निशान लगा लेना और ये दोनों मार्के हैं ये मिला लेना। और इसका शोल्डर है वो है, इसका डाउन करेंगे तो हम 1.5 इंची डाउन कर देंगे। और शोल्डर 17.5 है, 17.5 में हम 1 इंची प्लस करेंगे, 18.5, 18.5 का आधा रख देंगे यहाँ पर, 9.25। उसके बाद में यहाँ से तो इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और इसकी कॉलर है वो 15 की है, तो 5वां हिस्सा रख देंगे, 2.5 इंची यहाँ रख देंगे और 2.5 इंची यहाँ रख देंगे और गोलाई लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और ये ओपन शर्ट है तो यहाँ से हम गोलाई लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमें अंदर की साइड में हल्का सा इस तरीके से कटिंग करनी होगी। ठीक, तो इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर चक्का लगा लेना है फैशन पट्टी के लिए। और ये कपड़ा है ये चौड़ा पहने का है, तो हमारी बेक यहाँ पर बैठ जाएगी इसकी। तो इस तरीके से हमें इसको निकाल लेना है। छाने के बाद में ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये रख देंगे इसके ऊपर इस तरीके से। यहाँ से इसकी बराबर में रखेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंची रखेंगे इस तरीके से। और इसका तीरा है वो है 17.5 है, 1 इंची प्लस करेंगे, 18.5, 18.5 का आधा रख देंगे यहाँ पर, 9.25। और यहाँ पर हम लगा लेंगे 1.5 इंची का निशान। नहीं तो दोस्तों क्या होगा कि हमारी जो पीछे से शर्ट है ना, जो आगे पीछे हाथ करने में दिक्कत होगी दोस्तों। यदि ज़्यादातर लोग इस तरीके से भी लगाते हैं फिर गोलाई लगाते हैं, लेकिन ये तरीका है वो गलत है, क्योंकि हम आगे पीछे ऐसे हाथ करते हैं तो पीछे से टाइट होती है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेना है और इसकी कर लेनी है कटिंग। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा बैक पार्ट भी कट के तैयार है। अब
अब दोस्तों मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता देता हूँ कि आस्तीन कटिंग कैसे करेंगे। बराबर में रख लेना होगा किनार साइड को और इसको क्रॉस में भी छालेंगे इस तरीके से। और क्रॉस में भी छाने के बाद में यहाँ पर हम 3.5 इंची का निशान लगा देंगे। आर्म होल हमने 9 इंची रखा था, 9 इंची का निशान लगा लेंगे। और उसके बाद में आस्तीन की लंबाई है वो है 24 इंची है, तो हम 1 इंची माइनस कर देंगे, 23 पर निशान लगा देंगे। कप हैं ये 9 इंची के हैं, तो यहाँ पर हम 6.5 इंची रख लेंगे इस तरीके से। आप 6 इंची भी रख सकते हो यदि चुनट आप भारी डालना चाहते हो, हेवी डालना चाहते हो तो। और इसमें दोस्तों हम सेफ हल्का सा ही लगाएंगे, ज़्यादा सेफ नहीं लगाएंगे इस तरीके से। और हल्का सा क्रॉस कर लेंगे यहाँ पर 1 सूट 2 सूट इस तरीके से। आप इस तरीके से भी रख के देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से ये आएगा ठीक। यहाँ पर गोलाई लगा देंगे इस तरीके से। और इसकी कर लेनी है कटिंग, तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ इस तरीके से। कटिंग कर लेनी है और गड़ाव देना होता है यहाँ से, प्रत्येक सेट में देना होता है। हेवी साइज हो तो 1 इंची, उससे कम हो तो 0.5 इंची, छोटो बच्चों की में हो वो 0.5 इंची की यहाँ पर गड़ाव देते हैं इस तरीके से। और उसके बाद में ये हमने गड़ाव दिया है, ये आगे की साइड में आएगा, तो बैक की साइड में हम इसको 3 हिस्सा कर लेंगे इस तरीके से। 3 हिस्सा करने के बाद में यहाँ से हम कट कर देंगे। हमारा 3 हिस्सा होना चाहिए, ये 4 हैं और ये थोड़ा सा कम है इस तरीके से। ये 4.5 और ये 4, 3 हिस्सा कर लेंगे। ये आ गया है 4.5 और ये भी 4.5 इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पर हम 5 इंची का निशान लगा लेंगे और कट कर देंगे इस तरीके से। हमें जो कट करना है वो बैक साइड में कटिंग करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब तीरा कटिंग करना बता देता हूँ। तीरा कटिंग करेंगे वो डबल करेंगे, तो इस कपड़े को हम यहाँ से मोड़ लेंगे इस तरीके से मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद में एक सीधा निशान लगा देंगे यहाँ पर। ये हमने एक सीधा निशान लगा दिया है और यहाँ पर हम 5 इंची का निशान लगा देंगे। एक निशान हम यहाँ लगा लेंगे 5 इंची का और यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेंगे, सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में ये हमने 5 इंची का निशान लगाया है, 1.5 इंची नीचे निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमें कॉलर का 5वां हिस्सा लगा लेना है, मैंने 2.5 इंची लगा रहा हूँ मैं। दोस्तों इसका तीरा है वो 17.5 है, 1 इंची प्लस करेंगे 18.5। 18.5 का आधा यहाँ 9.25 इंची रख देंगे, 9.25 इंची यहाँ रख देंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ से हम इस तरीके से इन दोनों मार्गों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद में यहाँ से हम 1.5 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और ये निशान और ये निशान हमें मिला लेना इस तरीके से। और यहाँ से हम गोड़ाई लगा देंगे इस तरीके से, पेंच कवर से, हाथ से भी लगा सकते हैं आप। और इसकी कटिंग कर लेनी है, तो दोस्तों मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। और इस तरीके से दोस्तों हमारी ये
जो लूज शर्ट की कटिंग हो जाती है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करना, और यदि आपकी कोई शिकायत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों मैंने ये तीरा भी कटिंग कर लिया है, और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट भी हमें कटिंग कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। आज मैंने आपको सादा जो पैंट पर पहनते हैं लूज शर्ट की कटिंग करना बताया है। लूज शर्ट में दोस्तों करना ये होता है कि फिटिंग में तो हम यहाँ से 2 इंची लगाते हैं, और लूज में हम यहाँ से 2.25 इंची लगा रहे हैं। हेवी साइज हो तो दोस्तों यहाँ पर आप 2.5 इंची भी लगा सकते हो, और नीचे भी हमने यहाँ पर 2.25 इंची लगाया है। और दोस्तों जो मैं जो शर्ट थी वो पहन के आया था वो नीचे से था, मैंने राउंड में नापा था तो 11 इंची आ रहा था। तो दोस्तों देखो मैं आपको मैं दिखा देता हूँ, जो नीचे से राउंड में नाप ली थी वो 11 इंची आ रहा था, उसी हिसाब से भी आप कटिंग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हम 11 रखेंगे और 11 रखने के बाद में ये हमारी सिलाई मार्जिन आ जाएगा इस तरीके से। और मैंने कमर में नाप ली थी वो 10.5 ली थी, तो ये हमारा 10.5 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारी ये सिलाई आ जाएगी 0.5 इंची की। ठीक दोस्तों ये 11 इंची आ रहा है, ये 10.5 यहाँ पर हमारी सिलाई आ जाएगी। रही बात हमारी यहाँ की, तो दोस्तों यहाँ पर 11 इंची और यहाँ पर ये हमारा सिलाई मार्जिन आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी देख के और इस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो। और जो ये कह रहा था कि हमको सादा चाहिए टाइट नहीं चाहिए, तो मैंने आपको ये सादा काट के बताया हूँ दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।